This is you to और हम पढ़ रहे हैं अपना टू नेंसन अब उस में आपको, अगर आप सबसे एंड में जाते हो बुक के तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टू पोएम्स गिवन है टाइगर एंड वन इज द पैंथर और ये दोनों पोएम्स पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है क्लियर अब उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हमें वो दोनों पोएम्स पता हो कि उसमें पोएट क्या कन्वे करना चाहते हैं तो हम सेपरेटली दोनों ही पोएम्स को लाइन बाय लाइन समझेंगे एक फाइनल समरी देखेंगे एंड देन आफ्टर वी आर डन विद द टू पोएम्स यानी द टाइगर हो जाता है देन पैंथर हो जाता है देन आफ्टर दैट हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइगर है Peter के द्वारा अब ये जो poem है टाइगर या आपको द पैंथर भी जो गिवन है और इसके पहले जो मेन पोएम आपके चैप्टर में गिवन थी टाइगर इन द जू ये सारी ही पोएम्स आपको इसीलिए गिवन है ताकि आप इस चीज को समझो एनालाइज करो कि क्या एनिमल्स के लिए ये जो ज़ूज होते हैं वो जरूरी हैं या नहीं अब जब हम और टाइगर इन द ज़ू देख रहे थे तो अगर हम कनेक्ट कर पाए पोएट के आइडियाज से सो वी वर वेरी मच क्लियर कि भाई उस पोएम के हिसाब से तो जूज में एनिमल्स की कंडीशन बहुत पुअर होती है एंड इफ दे आर सपोज टू लिव फ्रीली इन द जंगल दे शुड बी सेट फ्री राधा कैप्टन केज राइट यानी कि उनको क्रिएट ही ऐसे किया है कि उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए उनको जंगल में अपने हिसाब से घूमने देना चाहिए ना कि उनको एक केज में एक प्रिजन में बंद करके जो भी विजिटर्स हैं उनके एक बोल सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए आप उनको केज में रखो राइट right? तो उस पोएम से तो भैया हमारा ये व्यू पॉइंट क्लियर था बट जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसमें और टाइगर इन द ज़ू का व्यू पॉइंट नहीं रखना बल्कि हमें बाकी की जो दो पोएम्स हैं उन पे थोड़ा एनालाइजेशन करते हुए उस क्वेश्चन का आंसर देना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई पीटर निबलेट जो पोएट हैं उन्होंने द टाइगर में हमें ज़ूज़ की इंपॉर्टेंस बताई है या फिर कि ज़ूज़ होने ही नहीं चाहिए उस तरीके से ही हमें कन्वेंस कर रहे हैं जैसे कि अ टाइगर इन द ज़ू में पोएट ने हमें किया था चलिए करते हैं विद द टाइगर बिहाइंड टाइगर बिहाइंड बार्स ऑफ केज स्नार्स द टाइगर बिहाइंड बार्स ऑफ देन ही थिंक्स इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम अब अगर इन पॉइंट्स को या फिर इन लाइंस को देखते हो तो इस पर्टिकुलर स्टांजा में ये तो क्लियर है कि भाई जू की बात हो रही है राइट right? यानी टाइगर जो है इस वक्त कहां पर है जू में एक केज के अंदर राइट right? जहां हम लिख रहे हैं बिहाइंड द बार्स यानी कि जो प्रिजन होता है उसमें जो बार्स दिखाते हैं राइट right? तो उन बार्स के पीछे है बार्स यानी बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन है कि इसके बाहर आप नहीं आ सकते ठीक है तो वो बार्स के पीछे जो टाइगर है वो क्या कर रहा है फर्स्ट

तो सिर्फ थ्रोट से ही आवाज आ रही है राइट कि मेरा जो एनिमल है यहाँ पर कौन है भाई टाइगर ठीक है तो टाइगर का जो माउथ है वो क्लोज है बट फिर भी एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कहाँ से हो रहा है थ्रोट से बट जब वो अपनी टीथ खोल कर दिखाता है राइट यानी कि जब बैट दांत दिख रहे हैं जो माउथ है वो ओपन है उसके सारे दांत दिख रहे हैं और तब जब वो आवाज प्रोड्यूस करता है तो वो क्या होता है वो होता है स्नार्ल्स ठीक है तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया नेक्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है वर्ड टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स अब रोर्स तो सबको पता है राइट रोर क्या होता है भाई अ फुल डीप प्रोलॉन्गड क्राई

बोल सकते हो कि टाइगर वॉज क्राइंग अंदर से ही इज इन पेन ही इज सैड सो दैट इज रेफर्ड एज रोर्स ठीक है तो अल्टीमेटली इन तीनों लाइन से हम क्या समझ रहे हैं कि भाई जो टाइगर है उसे केज में प्रिजन करके रखा है सॉर्ट ऑफ प्रिजन ही हुआ राइट जब आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते खा नहीं सकते किसी से बात नहीं कर सकते हो एज अ ह्यूमन बींग इट मीन्स कि आप प्रिजन में हो राइट बट यहाँ एनिमल की बात करो तो वो भी अपनी मर्जी से ना घूम सकता है नीदर ही कैन कैच स्प्रे राइट जैसे कि हमने टाइगर इन द जू में देखा था कि नॉर्मली वाइल्ड जब होते हैं एनिमल्स या फॉरेस्ट में होते हैं जंगल में होते हैं तो दे कैन रोम फ्रीली दे कैन अपॉन अ फैट डियर राइट तो सिमिलरली इस पोएम में हमें ये बताया है कि भाई टाइगर अभी बिहाइंड द बार्स है इन अ केज है तो वो क्या कर रहा है अपनी सैडनेस डिफरेंट साउंड के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा है फिर क्या बोला गया है देन ही Things. और फिर क्या होता है ये सैडनेस दिखाने के बाद जो टाइगर है वो सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है क्या सोचता है वो इट वुड बी बी नाइस नॉट टू बिहाइंड ऑल द टाइम यानी टाइगर डिसाइड या थिंक करता है सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर मैं पूरा टाइम बार्स के पीछे नहीं होता या ये कह सकते हो टाइगर इज डिमांडिंग हिज

View. अब उसने क्यों सोचा ऐसा कि भाई भाई के के पीछे रहना हर वक्त अच्छी बात नहीं है, Because क्योंकि बार बार देखो क्या होता होगा केज के बाहर सिर्फ विजिटर्स आते होंगे, स्पेक्टेटर्स आते होंगे an like right? आप हो, हो? आपके सामने एक लाइन या टाइगर आप देखते हो किसी का केज तो आप ज्यादा एक्साइटेड होते हो राइट right? क्योंकि इन्हीं एनिमल्स को आप जंगल में जाके बिल्कुल नहीं देख सकते सामने से ऐसे बिल्कुल खिला नहीं सकते हो बट जब जू में जाते हो तो आपको पता है कि ये ये तो तो केज्ड है ये कर क्या लेंगे राइट right? तो रोज रोज वही एक सीन देखना देखना वो व्यू देखना, भाई व्यूअर्स आ रहे हैं स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं क्लैप कर रहे हैं लाइन लाइन चिल्ला रहे टाइगर टाइगर चिल्ला रहे जो ऑब्वियसली होता है तो ये सारी चीजें देख देख कर बोल रहा है टाइगर कि भाई मेरा जो व्यू है वो स्पॉइल कर दिया ह्यूमन बींग्स ने मुझे केज में रख के ठीक है I I wish I were wild, not on show. And finally, वो ये सोच रहा है कि काश ऐसा हो कि मैं जंगल में ही रहूँ, फॉरेस्ट में रहूं ना कि शो पे राइट अगर सर्कस वगैरह की बात करो या जू की बात करो हर जगह एनिमल्स कर क्या रहे एक शो पीस की तरह बिहेव कर रहे हैं राइट सर्कस में वो एक्शन परफॉर्म करते हैं स्टंट्स परफॉर्म करते हैं जूज में लोग उनको देखने आते हैं जस्ट क्या हो गया एक शो पीस राइट तो टाइगर यहाँ क्या बोल रहा है कि अच्छा होता अगर मैं जंगल में होता रादर यहां पे मैं एक शो पीस की तरह बैठा हूं यानी एक शो चल रहा है जहां व्यूअर्स आके मुझे देखते हैं क्लियर बट अब क्या हुआ देखो यहाँ तक अगर देखे ना फर्स्ट स्टैंडा और ये सेकंड स्टैंडा की ये जो दोनों लाइंस हैं यहां तक देखे तो हम ये अल्टीमेट निकाल सकते हैं कि हाँ भाई टाइगर जो है ही इज हैप्पी कहां पर इन द फॉरेस्ट राइट right? यहां तक हमारा ये कंक्लूजन निकलता है अब जैसे ही आगे पोयम में हम बढ़ते हैं तो क्या है भाई एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दिख रहा है क्या है वो बट इफ आई वर वाइल्ड अब यहाँ पर ऐसा लिखा है देखो इफ आई वर थोड़ा ग्रामर में जाते हैं जब हमने ये देखा था कि वॉज को हम वर्ड से रिप्लेस करते हैं वो कंडीशन क्या थी कि भाई जब हम किसी विश किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं तब हम आई के साथ वॉस को नहीं वर्ड को यूज करते हैं राइट इफ यू रिमेंबर नहीं तो भाई रिविजन हो गया ठीक है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो टाइगर है अगेन ही इज इमेजिनिंग राइट वो सोच रहा है वो ऐसा विश तो नहीं बोलोगे इमेजिन बोलो यहां पर कि वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो ठीक है तो यहां पर हम जब बोल रहे हैं इफ आई वर दिस मींस हेयर द टाइगर इज

बोल सकते हो सेफ हूं सिक्योर्ड हूं कोई भी हंटर आकर जस्ट बो, बोलते ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एनिमल स्किन या फिर उनका शौक होता है हॉबी होता है हंट करने का एनिमल्स को विच इज टोटली अगेंस्ट द लॉ बट लोग करते हैं राइट तो यहाँ पर टाइगर सोच रहा है कि अगर मैं जंगल में होता इस वक्त और केज में नहीं होता तो हो सकता था कोई ना कोई हंटर आके मुझे शूट कर देता Ultimately, क्या होता मैं I would have been dead, right? Tiger जो है एग्जाम्पल तो right? तो हाँ ले रहे हैं तो जू में आकर आपको कोई शूट नहीं कर सकता तो ये पहली चीज जो है यहां से हमें लगता है कि अब आइडियाज जो है टाइगर के वो चेंज हो रहे हैं कि ठीक है भाई केज में रहना भी सही है अगर मैं ये पॉइंट देखो, कि अगर मैं केज़ में रहता हूं, तो कैन कम शूट Second, जो imagination है है? का वो क्या अब देखो जब वगैरह में की की बहुत ज़्यादा जाती है, तो उन्हें जो भी खाना मिलता है एक तो वो वो मिलता है, है अब होता या नहीं होता वो हम नहीं बोल सकते बिकॉज वी कांट से बहुत अच्छी होती है तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि भाई टाइगर सोच रहा है कि अगर मैं जंगल में होता तो क्या करता जंगल में वो देखो शिकार करता राइट किसी एनिमल को और डायरेक्टली वो जो भी फ्लैश है वो खाता अब हो सकता है भाई कि वो उस एनिमल के फ्लैश में पॉइजन हो या वो जो फ्लैश था एनिमल का वो टाइगर की बॉडी में जाके एक पॉइजन की तरह काम करे अल्टीमेटली दिस वुड लीड टू वॉट डेथ ऑफ द टाइगर यानी अगेन टाइगर सोच रहा है कि भाई केज में हूं तो खाना ऑब्वियसली देख के देते होंगे वहां के लोग ताकि टाइगर की देखो डेथ हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान है जू का टाइगर इतनी आसानी से नहीं मिलते राइट right? वैसे ही है ही नहीं ऑलमोस्ट दे आर ंगल right? में, या केज में खाना मिलता होगा, right? जो अगर मैं जंगल में होता तो हो सकता था जो खाना मैं खाता हूँ वो पॉइजनस होता मेरी बॉडी के लिए राइट right? अगेन एक पॉइंट मिल गया जहां पर ये प्रूफ हो रहा है कि केज में टाइगर जो है वो हैप्पी है राइट नेक्स्ट बट इफ आई वर वाइल्ड मी क्या बोल रहे हैं पर कि हो सकता था भाई कि मैं जब जंगल में होता पानी वानी कैसे पीते भाई सीधे नदी जो भी बोल सकते हो एक लेक है वट एवर इज देयर इन द जंगल वो उस पानी को डायरेक्टली भाई जाके टाइगर्स पीते हैं तो हो सकता है भाई वो उसमें गिर जाता ठीक है ड्राउन हो जाता डूब जाता एंड अल्टीमेटली वुड हैव वु क्योंकि टाइगर्स को स्विमिंग तो आती नहीं है राइट right? तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई टाइगर अगेन इमेजिनेशन कर रहा है यहाँ पर कि भाई पानी की भी बात करूँ तो केज में तो चलो एक प्रॉपर होता होगा राइट कोई ना कोई यूटेंसिल में जो है पानी देते होंगे उनको तो वहां पर भी

एंड और उसके बाद क्या होता है लेट सी दैट इन द नेक्स्ट स्टैंड द टाइगर बिहाइंड बार्स ऑफ इसकेज ग्राउल द टाइगर बिहाइंड अबाउट से मूड आ जाता है टाइगर का और वो क्या है कि भाई वो, अपना sadness, वो जो, जो गुस्सा है वो सब कुछ किस तरीके से दिखा रहा है साउंड प्रोड्यूस करके राइट अगेन ही इज ग्राउलिंग स्नालिंग एंड रोरिंग जस्ट टू शो कि हाँ भाई अभी भी मुझे लगता है है एट दी एंड कि नहीं यार मुझे बाहर रहना चाहिए था फॉरेस्ट में रहना चाहिए था वुड बी बेटर क्लियर यानी इस पूरी पोयम में आप बोल सकते हो कि टाइगर भी कंफ्यूज है कि क्या बेटर है फॉरेस्ट में रहना फॉरेस्ट में रहकर वो सारे चांसेस चैलेंजेस फेस करना कि भाई कोई भी हंटर आके मुझे शूट कर सकता है जो खाना मैं खा रहा हूँ उसमें पॉइजन हो सकता है पॉइजन हो सकता है इन द सेंस वो खाना जो है पॉइजनस हो सकता है फॉर द टाइगर या फिर मैं पानी पीते पीते किसी वाटर बॉडी में गिर सकता हूँ आई कुड ड्राउन इन इट राइट मैं डूब सकता हूँ या फिर वो ये सोच रहा है कि मैं यहाँ केज में रहकर वो सारी फ्रीडम मिस कर रहा हूँ वो जो मैं अपनी मर्जी से उठ बैठ सकता हूँ खा पी सकता हूँ घूम सकता हूँ मैं अपना वो जो अग्रेशन है दिखा सकता हूँ लोग मुझसे डर सकते हैं राइट right? अल्टीमेटली वो सारी चीज है तो टाइगर जो है वो कंफ्यूज है इज बेटर कि मुझे मुझे किसी केज में रख कर मुझे सेफ और सिक्योर रखा है राइट right? या फिर मैं सेफ और सिक्योर्ड रहूं नहीं रहूं बट मैं फ्री हूं तो यहां पर हमें डिसाइड करना है कि भाई फ्रीडम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बोल सकते हो सेफ्टी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट कहां पर सेफ्टी इम में यानी कि जेल में रहकर सेफ्टी की बात करें तो वो ज्यादा सही है या फिर चैलेंजेस फेस करना फ्रीडम के साथ रहना और चैलेंजेस के साथ टैकल करना वो ज्यादा सही है क्लियर देखो अब यहां पर अगर, अगर अपन ये सारी चीजें बिल्कुल डिस्कस करें तो एक पॉइंट ऑफ व्यू यहां ये देख सकते हैं कि ऑब्वियसली जितने भी टाइगर्स एनिमल्स जो भी हैं भाई लायंस स्पेशली वो स्पीशीज वो एनिमल्स जो कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है यानी जिनका नंबर इतना कम हो गया है कि ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एनिमल्स में टाइगर्स लायंस देखने को मिलेगा ही नहीं जो भी फ्यूचर जनरेशन है उनको राइट तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई अच्छी बात है ह्यूमंस इनको सेफ्टी के साथ सिक्योरिटी के साथ रख रहे हैं राइट बट वही हम देखें तो जू एक करेक्ट ऑप्शन नहीं लगता है बिकॉज़ ज़ू में क्या करते हैं भाई ह्यूमंस जस्ट उनको पैसे कमाने होते हैं स्पेक्टेटर्स से व्यूअर्स से तो उन पैसों के लिए वो इनको रखते तो हैं भाई केज़ के अंदर कोई हंटर नहीं आ सकता पानी में डूब नहीं सकते खाना पॉइजनस नहीं हो सकता बट वो जो बोल सकते हो ना कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं जब बिगनिंग में ऑब्वियसली इतना अग्रेशन होता है गुस्सा होता है टाइगर लाइन में कि उनको ट्रीट टेम करते होंगे राइट पालतू जानवर की तरह ट्रीट करते होंगे तो वो ट्रीटमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जो पुअर कंडीशंस होती है वो जो बुरी तरीके से ट्रीटमेंट होता है एनिमल्स का जू वो भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं कि केज में रखना बट प्रॉपर कंडीशन के साथ एक हैप्पी प्लेस बना के रखना अगर वो पॉसिबिलिटी है तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये ऑप्शन सही है और ये पॉसिबिलिटीज कहाँ देखने को मिलती है वो जब हम नेक्स्ट पोएम पढ़ लेंगे तब देखेंगे क्लियर कि क्या जू का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या ऐसा कुछ है जहाँ हम केज में ना रखें एनिमल्स को बट फिर भी हम सेफली सिक्योरिटी के साथ उनको रख सकें क्लियर तो अभी तक इस पोएम को अगर हम देखें तो हमें ये समझ आ रहा है कि हाँ भाई टाइगर को पहले लगता है कि नहीं मैं सैड हूँ वो ये साउंड प्रोड्यूस करके आपको बताना चाह रहा है कि भाई बिहाइंड द बार्स ही इज यू नो कैप्चर्ड ही इज़ लाइक कि वो फ्रीडम नहीं है टाइगर के पास राइट right? तो वो सैड है वो रेज है अंदर बट वो साइलेंट है सिमिलर एज द टाइगर इन द जू राइट बट फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि नहीं यार एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूं अगर मैं केज में भी हूँ तो बट अगेन ही कम्स बैक टू द पोजिशन जहां पर उसे वापस से सैडनेस फील होती है ही क्राइज बाय मेकिंग द साउंड क्लियर तो दिस वॉज द कंप्लीट पोएम द टाइगर बाय पीटर निबलेट बट इट इज लाइक स्लाइट कंफ्यूजिंग भाई हम कौन से कंक्लूजन पर पहुंचे सो दिस वी विल डिस्कस इन द वीडियो वे वी विल डिस्कस द पोएम द पैंथर क्लियर चलिए अब एक छोटी सी समरी देख लेते हैं इस पोएम की सो द पोएम द टाइगर बाय पीटर निबलेट इज अ मेटाफोरिकल पोएम एक्सप्रेसिंग द ट्रुथ ऑफ अ केज्ड लाइफ इन दिस पोएम द पोएट हैज टेकन एन एग्जांपल ऑफ टाइगर हु इज केज्ड ठीक है मेटाफोरिकल पोएम है हो रहे हैं सारे एनिमल्स का एक कम्पेरिजन हो रहा है कि नॉर्मली अगर हम यहाँ पर सोच रहे हैं राइट टाइगर सोच रहा होगा है, है नहीं, पता नहीं बट पोएट ने अपनी से हाँ पर लिखा है, right? कि एक जो है उसकी क्या कंडीशन होगी क्या सोच होगी वो इस पोएम द टाइगर में पीटर निबलेट ने अपने वर्ड्स में बताया न टाइगर इज बिहाइंड अबाउर इज लाइफ इन द जंगल क्लियर यानी कि टाइगर जो है वो जंगल की लाइफ को सोचते हुए जब वो केज के बिहाइंड केज में है that time वो जंगल के टाइम को सोचते हुए क्या कर रहा है ही समिंग एंड रोइंग बट सडनली ऑल्सो थिंक्स अबाउट द एडवर्सिटीज इन बीन नॉट But suddenly क्या होता है? पहले तो उसको बुरा लगता है बट वो, वो सडनलीज वो सारे चैलेंजेस वो सारी पूरा कंडीशन के बारे में सोचने लगता है कि जब वो जंगल में होता यानी वो केज्ड नहीं होता तो क्या चैलेंजेस थे जो टाइगर को फेस करने पड़ते ही वॉज फ्री ही विशेज टू बी वाइल्ड बट ही ऑल्सो थिंक्स दैट इफ ही Or he must be poisoned by the food he would eat, or he would drown in the water he will drink. यानी यहां बोल रहा है कि टाइगर जो है वो ये सोच रहा है कि काश मैं फ्री होता तो मैं भी जंगल में होता राइट मेरी वो लाइफ होती जो मेरी फ्रीडम वाली लाइफ थी इन द जंगल बट सडनली फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि भाई अगर मैं जंगल में होता तो हो सकता था कोई हंटर आके मुझे शूट कर देता या जो मैं खाना खा रहा था वो पॉइजनस होता मेरी बॉडी के लिए या फिर जब मैं पानी पी रहा होता तो मैं उस बॉडी में गिर के डूब के मर सकता था यानी टाइगर जो है एक कंडीशन सोचते सोचते फिर दूसरी कंडीशन पर पहुंच गया जहां वो वो एडवर्सिटीज वो चैलेंजेस के बारे में सोच रहा है वो ही 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 वुड फेस इज विल बी इन द जंगल क्लियर बट फाइनली ही रियलाइज इज लाइफ ऑफ स्ट्रगल बट फाइनली क्या होता है फिर से वो सारी कंडीशंस उसके दिमाग में आ जाती कि नहीं अगेन ही शोज सैडनेस कि मैं केज हूँ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए वो जो चैलेंजेस हैं वो फेस करना बेटर होगा मेरे लिए मैं जब कहाँ हूँ जंगल में तो अल्टीमेट हम बोल सकते हैं लास्ट ऐंसा से कि टाइगर के दिमाग में तो वही चल रहा है कि नहीं मुझे केज्ड लाइफ नहीं चाहिए मुझे फ्री लाइफ चाहिए भले ही मुझे चैलेंजेस फेस करने So finally, he realizes that a life of struggle and challenges is far better than an imprisoned life, and again, the tiger behind the bars growls, snorts, snarls, and roars while thinking about his life in the jungle. यानी पर फिर से टाइगर जो है फाइनली रियलाइज करता है एट दी एंड कि नहीं भाई बेटर यही है कि मैं अपने जंगल में ही रहता वहां भले ही ये तीनों चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते कभी भी बट एटलीस्ट मैं फ्री होता राइट मुझे कोई ऐसी टेम नहीं कर रहा होता लोग आके मुझे सिर्फ देख नहीं रहे होते मेरा एक प्रॉपर पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट व्यू नहीं होता कि भाई वही सब चीज़ें हो रही है रोज राइट तो टाइगर क्या करता है वो तो भाई यहाँ पे बता रहा है इस पोएम में कि आई वुड प्रेफर टू लिव इन द जंगल फेसिंग दो चैलेंजेस राधा बींग इम फॉर लाइफ क्लियर तो ये था प्रॉपर समराइजेशन ऑफ द पोएम द टाइगर बाय पीटर निवलेट ऑल राइट सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अर टॉपिक व्हिच इज द द टाइगर बाय पीटर निबलैंड जो कि आपके चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मेंशन है तो चलो एक पोएम समझ आ गई है अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड पोएम हमको गिवन है द पैंथर उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन इन दोनों पोएम्स के कम्पेरिजन करते हुए इन दोनों पोएम को एनालाइज करते हुए हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो कि इन दोनों पोएम्स पे बेस्ड है ऑल राइट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट सून विद ने पोएम द पैथर टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय